हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट। लेट्स लर्न अल्फ़ाबेट, जो कि आप सभी को बहुत ही ईजी लगेगा और आप आसानी से इसको सीख सकते हो। बट आपके सिलेबस में है कि आप छोटे छोटे जो बालक होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाना है प्राथमिक क्लास के बच्चों तक को, तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है यही, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कोई भी चीज़ ईजी नहीं होता है। सब कुछ मतलब अगर आप सीख लेंगे तो ईजी होगा, अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो हार्ड ही होगा। तो आपने ये सीख लिया है तो एक तरीके से ईजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक इसमें स्टेप रहता है वो रहता है लिसन एंड रिपीट, यानी लेट अस सिंग एंड लर्न ABC। टीचर कहती है कि कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABCD, ठीक। तो ये क्या करेगी, ABCD पढ़ाएगी, ठीक है। तो ये सिखाती है अल्फाबेट। उसके बाद टीचर मेक्स स्टूडेंट प्रैक्टिस बाय सिंगिंग, मतलब वो कहती है कि आप लोग इसको गाकर या फिर जो मैं बोलती हूँ उसको आप रिपीट करिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहाँ कह रहा है देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वो 26 होता है, ठीक है। यू कैन राइट देम एज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दिया गया है। तो ये तो इसमें मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक। यहाँ एक्सरसाइज दिया है कि राइट द लेटर्स इन द गिवन स्पेस, मतलब स्पेस देकर लिखना है ABCD ये सब कुछ, ठीक है, स्मॉल लेटर। अब देखिए यहाँ लुक रीड एंड लर्न, मतलब देखिए पढ़िए और सीखिए। तो देखिए यहाँ दिया है ए से आपको तीन वर्ड बताना है, जैसे छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं उनको आप सिखाएंगे शुरू से, तो ए से आपको तीन वर्ड बताना है, एक्स एप्पल एंट, ठीक है। बी से बर्ड हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बोट हो जाएगा। सी से कैंडल, कंप्यूटर, क्लाउन, ठीक है। डी से डॉग, डोंकी, डॉल। ई से अर्थ, एलिफेंट, ईगल, ठीक है। एफ से फ्लैग, फ्लोट, फेरी। जे से ग्रेप्स, गिफ्ट, गोट। एस से हैंड, हाउस, हॉर्न। आई से आइसक्रीम, इंपोर्ट, ईग्लू, ठीक है। जे से जग, जैकाल एंड जंगल। के से किंग, काइच, कंगारू। एल से लायन, लूडो, लोट्स। और आज के जो लॉकडाउन है उसमें तो सभी लोग लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एम से मैंगो, ठीक है, माउंटेन, मून। एन से नेस्ट, नोट्स, न्यूज़पेपर। ओ से ओल, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं, बस आपका जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसीलिए कि आप छोटे छोटे बच्चों को कैसे किस तरीके से सिखा सकते हो, कि मतलब जितने भी आप अल्फ़ाबेट है उसके तीन तीन वर्ड जैसे कि स्टार्ट होते हैं ए से, कितने वर्ड, तीन वर्ड डेली अगर सिखाएंगे तो जो उनका वोकैबुलरी है, शब्दावली है, बहुत ही इंक्रीज होगा, क्लियर। अब देखिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं, सब यही दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज राइट द मिसिंग लेटर्स इन द गिवन बुक्स, मतलब यहाँ मिसिंग है ABCDEF, ये ठीक है, इसको याद कराने के लिए यहाँ मिसिंग किया गया, तो आप लोग तो फिलअप ही कर लेंगे। उसके बाद यह मैच द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल लेटर्स, ठीक। तो इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर में मिलाइए, तो ये हो जाएगा, ठीक है, फिर ये फिर आपका ये, फिर ये, क्लियर। अब देखिए मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो यही सिखाना होगा, उनको क्या पता है। अब देखिए चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इट इन द ब्लैंक, यानी एफ फॉर एप्पल, यहाँ क्या फिलअप होगा, एप्पल होगा। बी फॉर बश, सी फॉर कैट, टी फॉर डॉल, ई फॉर एग, एफ फॉर आपका फिश हो जाएगा, जी फॉर यहाँ पर आपका गन हो जाएगा, एच फॉर आपका हट हो जाएगा, ठीक है, हट मतलब झोपड़ी होता है। आई फॉर, ठीक है, उसके बाद आपका जे फॉर जैसे कि यहाँ दिया है जेब्रा हो जाएगा, ठीक है। के फॉर आपका काइट हो जाएगा, एल फॉर आपका लाइन हो जाएगा, एम फॉर मंकी हो जाएगा, एन फॉर नेस्ट हो जाएगा, ओ फॉर अनियन हो जाएगा। मतलब बहुत ईजी है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी सिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है रीअरेंज द जंबल्ड अप लेटर्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी यहाँ आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट है इसको करेक्ट कि सबसे पहले क्या आएगा, इस तरीके से यहाँ रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है एल,
ठीक है, एल फिलअप करेंगे, उसके बाद एम, ठीक है, उसके बाद आपका ओ एन, ठीक, उसके बाद ओ पी, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको भी रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपका यू आ जाएगा, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर आपका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, बाद इसमें आपका पहले क्यू आएगा, ठीक है, पी क्यू, फिर आर आ जाएगा, फिर एस, फिर यू प्लस भी, तो ये क्लियर हो गया, बस रीअरेंज करना है। अब देखिए कह रहा है कि लुक रिपीट एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द एप्रोप्रिएट पिक्चर। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ चित्र दिया है, इसको अल्फाबेट तरीके से रखना है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले क्या दे दिया है, बी दे दिया है, तो यहाँ सबसे पहले ए रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, उसके बाद सी रहेगा, उसके बाद डी रहेगा, उसके बाद ई रहेगा, तो ठीक है, तो बस रीअरेंजमेंट करना है। अब देखिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इसको हम क्लियर करते हैं। वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। वोवेल्स आप सभी को पता है कि कुल पांच है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर आपने जैसे कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है पढ़ा होगा, तो आप आसानी से आपको पता होगा वोवेल्स क्या होता है। जैसे कि हिंदी में हमने पढ़ा है ना स्वर व्यंजन, उसी तरह इसमें भी इंग्लिश में होता है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन और वोवेल्स मतलब होता है स्वर, क्लियर। तो देखिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, जो ए होता है और एन होता है इसका प्रयोग कर, जैसे कि हम कहते हैं अ बैग, ठीक है, अ बैग कहते हैं, और यही हम लिखेंगे एप्पल, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, अन एप्पल। ऐसा क्यों, इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ कह रहा है लुक केयरफुली एंड सी द डिफरेंस, देयर आर टू क्लर ब्लॉक, वन इज फॉर द कॉन्सोनेंट्स एंड द अदर, मतलब कि जो आपका कलर है वो वोवेल्स है, ठीक है, और जो कलर नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके पांच वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, मतलब जिस तरह हिंदी में अ ई उ इस तरीके से होता है ना स्वर, तो इसी तरीके से इसमें भी वैसे ही, जैसे क ख ग घ, ये सभी क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए आप सभी को पता चल गया कि वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। अब यहाँ क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स जैसे यहाँ बताया है, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं और बस ऐसे ही ये दिया है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे तो बस टाइम वेस्ट होगा, इसको हम स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो रहा है आर्टिकल्स, ठीक है, ए एंड द का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए जो अ का यूज़ होता है वो होता है आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी जो आपका ए का प्रयोग होता है वो व्यंजन वाले स्वर में होता है, और एन का जो प्रयोग होता है वो एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी स्वर का जो होता है उसका उसके स्वर में एन का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो आपके सामने, जैसे कि मान लीजिए बी से स्टार्ट हो रहा है बोए, ठीक है, बोए हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अ बोए, लेकिन यहीं पर रहता कि इंक, ठीक है, इंक लिखते तो एन इंक लिखते, क्लियर। अ काइट, अब देख सकते हो जितना भी आपका, ठीक है, जैसे आप अ बॉय देख सकते हो, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन, अ हैन, अ रिंग, अ बैट, आप देख सकते हो कोई भी वॉवेल नहीं है, सभी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। अ काइट, अ पर्पज, अब देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, यू है, और ये क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए आया एन लगा है, ठीक है। इसी तरह ई है, ई भी क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए एन एक लगा है। एच क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ए क्या है, वोवेल्स है, तो एन एरोप्लेन लगा है। ओ क्या है, वोवेल्स है, तो एन आउल लगा है, क्लियर। और जग जे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक। अभी मैंने इंक वाला डिस्कस किया था, इंक पोर्ट, तो आप देख सकते हो आई, तो यहाँ क्या लगा है, एन इंक पोर्ट। अ हॉर्स, एप्पल है, तो अन एप्पल, क्लियर। एन ऑरेंज, अ काउ, तो सिंपल, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ मतलब वोवेल्स होता है आपको पता है वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल्स हैं, और जितने भी आपके होते हैं वे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने क्लियर किया, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए दिया है, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अ बैट हो जाएगा, ठीक है, अ कैट हो जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ एन लग जाएगा, यहाँ भी एन लग जाएगा, यहाँ भी एन, यहाँ ए लग जाएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए,
ठीक है, यहाँ एन लग जाएगा, एन ओक्ष, अ बॉक्स, अ फॉक्स, ठीक है, अ बी, अ की, ठीक है, अ पी, अ ट्री, अ काऊ, एन आउल, एन ऑन्ट। तो इस तरीके से आपको बस फिलअप करना है गाइज। अब इसमें कुछ ज़्यादा बस एग्जांपल के लिए दिया है ना। अब देखिए द का यूज़ कहाँ होता है, तो आप सभी को पता है द इज़ डिफाइंड आर्टिकल, जैसे इट इज़ यूज टू रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन, जैसे पैलेस हो गया, ठीक है, और थिंग, कोई भी, जैसे कि कोई विशेष व्यक्ति के लिए, ठीक है, कोई विशेष स्थान, जैसे कि नदी का, जैसे गंगा नदी, तो हम क्या कहते हैं, द गंगा, द रिवर्स। इस तरीके से जो स्थान होता है और थिंग्स एंड यूनिक थिंग्स, ठीक है, तो जैसे सन हो गया, मून हो गया, ETC एंड होली बुक्स, हिस्टोरिकल पैलेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इसमें हम क्या लगाते हैं, जैसे जैसे आप देख सकते हो द सन, द स्काई, द गीता, द ताजमहल, द गंगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर एंड नंबर्स नेम्स दिया है, इसको काउंट करना है, बताना है कि कितना बर्ड है, वन बर्ड है, टू बर्ड है, थ्री बर्ड है, तो दिख रहा है सामने, वन बर्ड हो जाएगा, टू बर्ड हो जाएगा, थ्री बर्ड हो जाएगा, फोर बुक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ए एंड द का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, आप जब पढ़ाएंगे तो किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।